कहा जाता है खुश नसीब है वो जिन्हें जमीन पर रहते रहते जन्नत की सैर करने का मौका मिलता है। अब मुझे खुश नसीब ही कह लो, क्योंकि इस धरती पर अगर कोई जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है। वेलकम टू कश्मीर। होता है ना, कई बार कहीं जाने से पहले प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाए, ऑलमोस्ट। पर अब ये मेरी खुशकिस्मती कि मुझे हिंदुस्तान के जन्नत से रूबरू होने का मौका मिल ही गया। चंडीगढ़ का फैशन, कश्मीर का मौसम, बीबी का मूड, कमल का फूल, इस पे कभी भरोसा नहीं करना। बिल्कुल ठीक कहा, इसी मौसम की वजह से मेरा ट्रिप कैंसिल होने वाला था। बट लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू। एक तरफ ये खूबसूरत निगी लेक और दूसरी तरफ ये सुंदर पहाड़। पूरी तरह से घूमने की शुरुआत भी नहीं हुई है और कश्मीर के रास्तों ने मुझे अपना हमसफर बना ही लिया। कि दल लेक के बारे में कौन नहीं जानता। दल लेक अपने आप में ही यहाँ एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। इस जगह की हर बात आपको हर वक्त इसके अलग होने का एहसास दिलाएगी। दल लेक पर कई सारे हाउस बोट्स हैं जिन्हें फ्लोटिंग पैलेसेस भी बुलाया जाता है। इस खूबसूरत स्पॉट का पूरी तरह से फील लेने के लिए I checked into this mesmerizing and most luxurious houseboat situated at Dal Lake, Sukoon. Welcome to Sukoon. इस हाउसबोट में 5 बेहद ही खूबसूरत कमरे हैं। और हर कमरे का नाम एक मुगल गार्डन पे रखा गया है। रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है जहां आप फूड विद अ व्यू इन ट्रू सेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या है ये नजारा, यहां तो मैं घंटों बैठे वक्त बिता सकती हूँ। Gives what the name suggests, Sukoon, which means peace and tranquility. यहाँ हर हाउसबोट की अपनी शिकारा है जो गेस्ट को लेक के उस पार लेकर जाती है जहाँ श्रीनगर की और भी बहुत खूबसूरती छुपी हुई है। तो मैं भी निकल पड़ी। रशीद भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, हम गांव के रहने वाले हैं। लेक के पीछे गांव आते हैं, वहीं रहते हैं हम।
डल लेक श्रीनगर का दिल है। इसे कई नामों से बुलाया जाता है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर्स ज्वेल। पर क्या आपको पता है कि ये चाहे कश्मीर का सबसे पॉपुलर लेक है पर सबसे बड़ा नहीं। वो खिताब मिल चुका है बंदीपोरा के वुलार लेक को। यहाँ हमेशा मौसम ऐसा होता है। ये हाथ नहीं दर्द करता इतनी देर देर ऐसे करते हैं। करना पड़ता है। किसी ने सच ही कहा, कश्मीर की असली खूबसूरती सिर्फ कुदरत में ही नहीं यहाँ के लोगों में भी है। प्यारी कहानियाँ और उनकी मीठी मीठी बातें। Wow, isn't this cute? The shikara wala just made me a beautiful necklace out of a lily leaf. डिजाइन्स और बहुत सारी। कितने की है ये? 600 जी, ये सबसे बड़ा है। Well, a special thanks to Gulam Hussain for a wonderful shikara ride. Thank you very much. ट्रैवल करते हुए शॉपिंग कैन बी योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, पर मेरा एजेंडा काफी क्लियर है। मुझे श्रीनगर घूमना है। तो सरताज ने अपनी गाड़ी निकाली और हम निकल पड़े। एक सेकेंड, सरताज से मिले आप? चंडीगढ़ का फैशन, कश्मीर का मौसम, बीबी का मूड, कमल का फूल, इस पे कभी भरोसा नहीं करना। ये है सरताज, कश्मीर के लोकल और मेरे इस सफर पे मेरे टूर गाइड और ड्राइवर। सबसे पहले मैं घूमना चाहूंगी महाराजा हरि सिंह पैलेस। अब आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा। He was the last ruling Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir. इनकी चार बीवियां थी और जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा घर। Agar you have to visit Maharaja Hari Singh's beautiful palace which is now converted into a hotel. Wow, this really feels palatial. Khair, ab ye palace nahi raha, ek hotel ban chuka hai. The Lalit Grand Palace Hotel. पर यहाँ की दीवारें अब भी यहाँ की कहानियां बताती हैं। और ये है महाराजा का अपना कमरा, काफी लैविश है विथ 4 bedrooms। So what if I couldn't be a Maharani back then? It's never too late. कहते हैं पैलेस की एक तरफ तवी रिवर है और दूसरी तरफ त्रिकुटा हिल्स की गोद में समाया माता वैष्णो देवी जी का मंदिर। इस पैलेस के लॉन में बैठे हुए ब्रंच करने का मौका किसे मिलता है? और एक बात बताऊं, जहां मैं बैठी हूँ द चिनार ट्री इन द पैलेस कोर्टयार्ड, इसी जगह पर कई साल पहले महात्मा गांधी और महाराजा हरि सिंह की मीटिंग हुई थी। खूबसूरत जगह से उठने का मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा वक्त यहाँ और गुजारूंगी और आपको मिलूंगी अगले एपिसोड में, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ टू इंडियाज ओल्डेस्ट फ्लोटिंग मार्केट, परी महल, चश्मेशाही और ऐसी कई जगहों पर जिसे देखकर आप भी बोलोगे आई लव माई इंडिया।